देखिए भाई, हाँ देखिए, वैदिक कालीन के दो यज्ञों में आता है ना, तो पहला आता था अश्वमेध यज्ञ, मतलब घोड़े द्वारा नहीं, और वाजदेय यज्ञ इसमें बस व्यक्ति के बात को देखकर बताया जाता, कहा जाता उतना नहीं है। उसके बाद आगे दो विदुषी महिला थी, विदुषी मतलब विद्वान, दो और विद्वान तो शिक्षा देती नारियों को ज्यादा ज्यादा, सतपरी सुचिता दो थी। ठीक, तीसरा आपका वैदिक काल में शिक्षा उद्देश्य क्या था, तो वैदिक काल शिक्षा उद्देश्य था कर्म एवं चेष्टा पढ़ाई होता है, वही आपका कर्म क्या है, आपकी चेष्टा सोच, ठीक, व्यवहार आपका क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट,